आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज और मैं हूँ शबाना अमीर। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहाँ शहर और गिद्धनुमा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी में शदीद इजाफा सयाह बर्फबारी को देख कर लुत्फ अंदोज होने लगे। इस वक्त नुमाइंदा ANN न्यूज हुमैरा बानो हमारे साथ मौजूद है। जी हुमैरा बानो, मरी के मौसम और बर्फबारी के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मलका कोहसार मरी में मौजूद हूँ। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला तेज़ी से जारी है, इसके साथ भी सर्दी में काफ़ी ज़्यादा शिदत हो गई है। काले गहरे बादलों ने और ठंडी ठंडी तेज़ हवाओं ने वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसके बावजूद सयाह कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इस दिलकश और दिलफरेब मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक और बात बताते चलें कि जब आप बर्फबारी से खेलते हैं तो इतना ज़रूर ख्याल रखें कि इस पर चहलकदमी करने की वजह से ये बर्फ़ सख्त हो जाती है, और इसको उठा के जब बर्फ़ के गोले बनाए जाते हैं और मारे जाते हैं तो ये फेस पर मारने से एहतियात करें, क्योंकि अगर ये आंख पे लग जाए तो कोई हादसा हो सकता है। इसके बाद अगर आप मरी का रुख कर रहे हैं तो मरी में आने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लें, अपने साथ गर्म कपड़े रखें, इसके साथ अपने गर्म ये मेवाजात जो हैं ये अपने साथ रखें, और बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें गर्म कपड़े पहना कर ही मरी का रुख करें और अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करके ही लाएँ। सयाह इस वक्त यहाँ पर इंजॉय करें और इस दिलकश और दिलफरेब मौसम को खूब इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया हमारा बानो, आपने हमें मरी के मौसम और बर्फबारी के बारे में अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे खानपुर से, जहां थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मोहम्मद यारगुल ASI मतीन थाना सिटी खानपुर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश रफीक गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं शेख हमीदुद्दीन हाकिम की इस रिपोर्ट में। खानपुर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई मोहम्मद यारगुल ASI थाना सिटी खानपुर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना कुप्पी फरोश रफीक उर्फ पप्पा वल्द ताज मोहम्मद कौम अरई सकना महल्ला जारिया से 22 कुप्पी अल्कोहल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा नंबर 11/2020 बाजुर्म 3/4 इम्तनाए मंशियात दर्ज करके मुल्ज़िम को हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। शेख हमीदुद्दीन हाकम, तहसील रिपोर्टर ANN न्यूज खान। रुक करेंगे लुटन का, जहां वज़ीर-ए-आज़म के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। लुटन को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन जिले इंतजामिया आवाम के मसाइल हल करना ही भूल गयी। वज़ीर आज़म के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। तफसील के मुताबिक कदीमी शहर लुटन को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन अवाम के मसाइल हल करना जैसे ज़िलई इंतजामिया को भूल दिया गया। लुटन शहर के तमाम गलियों बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हो चुका है, जिसके बायस कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लोग गंदे पानी की वजह से अपने कारोबारी मराकज़ बंद रखने पर मजबूर हैं, जबकि इसके अलावा कब्रिस्तान समेत लोगों के घरों में भी सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। मेन शहरों पर गंदा पानी खड़ा हो जाने की वजह से पैदल गुजरना भी महाल हो चुका है, जबकि सीवरेज का गंदा पानी पीने वाले पानी को भी आलूदा कर चुका है, जिसकी वजह से शहरीों में हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसे मूजी अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं, जिस पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दिलशाद फराज, लुटन विहाड़ी। खबर शामिल करेंगे खानगढ़ से, दोईमा जमीन में गड़ा खोदने से रुकने की रंजिश। मुखालफीन ने मजदूर को मार मार कर उसकी हाथ की उंगली भी तोड़ दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद जाहिद संदीला की इस रिपोर्ट में। खानगढ़ दोईमा जमीन में गड़ा खोदने से रोकने की रंजिश। मुखालफीन ने मजदूर को मार मार कर अदम गुआ कर दिया, हाथ की उंगली भी तोड़ दी। मुल्ज़मान ने पहले भी मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया था, बाअसर होने की वजह से अहले इलाका खामोश तमाशाई बन गए। मुतासरा ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी, डाकेट जारी, मजरूब अस्पताल दाखिल। तफसील के मुताबिक मौजा सुल्तानपुर बस्ती कोठेवाला के रिहायशी माहर मुनीर हुसैन वाल्द गुलाम यासिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैं मजदूर आदमी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी और मेरे मुखालिफ की ज़मीन साथ साथ हैं। मेरे मुखालिफ अक्सर मेरी ज़मीन के रास्ते में गड़े कर देते हैं, जिससे गुजरना महाल हो जाता है। मेरे समझाने पर मेरे मुखालिफ बुरा मान गए और मुझे और मेरी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया।
हमने ये शिकायत बस्ती के बड़े लोगों से की तो मुल्ज़मान के बाअसर होने की वजह से किसी ने भी इन्हें समझाने की कोशिश ना की। अब गुज़िश्ता रोज़ एक शादी की तकरीब में उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, तुम हमारी शिकायतें लगाते हो, इसका मज़ा तुम्हें चखाते हैं। ये कहकर उन्होंने सोटियों से मुझे खूब मारा। इस तशद्दुद बारे थाना सीतपुर को दरख्वास्त गुजारी तो उन्होंने मुझे डाकट जारी करके हस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा। माहर मुनीर ने बताया कि मुलजमान इंतहाई बाअसर भी हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। असर सूख होने की वजह से मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास से फौरी नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाहिद, ANN न्यूज, खानगढ़। रुख करेंगे अटिया बाला का, जहां मुजफ्फराबाद में वफात पाने वाले वादी लीपा के रहशी की नाश लेने वाले दर्जनों अफराद का रशिया की तरफ पैदल मार्च जान पर खेलकर इलाके मकीन 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद वापस लीपा ना पहुंच सके। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मुबारक हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। वादी लीपा में 48 घंटों से बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी के बाद वादी लीपा शराब बंद होकर रह गई है। वादी लीपा के रिहायशी मोहम्मद परवेज का मुजफ्फराबाद में इंतकाल। वर्षा जिसने हाकी लेकर रशिया पहुंच गए। रशिया से वादी लीपा का 25 किलोमीटर सफर करते हुए लीपा पहुंचे। वादी लीपा से दर्जनों अफराद मुतासीन की मदद के लिए सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंद इलाके की तरफ रवाना हो गए। वादी लीपा में राबता सड़कों की बंदिश से पूरी वादी में शेख खुद नवेश की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। वादी लीपा की आवाम ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। इलाका मकीनों का कहना है कि बर्फबारी जारी है। आज अल्लाह को एक बंदा हमारा पैरा हो गया मुजफ्फराबाद में, उसको लेने के लिए हमारा 400 बंदा लीपा से रेशिंग की तरफ निकला हुआ है। अल्लाह ना करे एक बंदे को लाने के लिए हमारे और लोगों का नुकसान हो, इसका कौन जवाबदार है? हम इस वक्त हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फिल फौरी जो है टनल के लिए जो है मंजूरी दी जाए, और खासकर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान के लिए हम ये पैगाम भेजते हैं कि लीपा के लिए टनल के लिए हर सूरत में मंजूरी दी जाए। इस वक्त में भी अगर हमें टनल नहीं मिल सकता तो किस दौर में हम जिंदा रहे। हुकूमत आजाद कश्मीर को चाहिए कि वादी लीपा के लोगों की मुश्किल को देखते हुए टनल के लिए फौरी इकदाम करे ताकि वादी लीपा के लोग अपनी जिंदगी को रवान रवान रख सकें। मुबारक हुसैन अवान, ANN न्यूज, अटियांवाला, आजाद कश्मीर। खबर शामिल करेंगे अटक से, जहां रावलपिंडी से कुहाड़ जाने वाली तेज रफ्तार हाईएस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराने से गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। पिंडी से कुहाड़ जाते हुए तेज रफ्तार हाईएस फतेह जंग के करीब दरख से जा टकराई। टकराने के नतीजे में गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई। रेस्क्यूअर कारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। 10 जख्मी अफराद को फतेह जंग सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर 72 सारा कोहाट का रहशी फजल रहीम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मजीद 4 अफराद को रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस ने रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। मोहम्मद नदीम, ANN न्यूज, अटक। खानगढ़ का, जहां DPO सैयद नदीम अब्बास की हदायत पर थाना खानगढ़ की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद जानते हैं मोहम्मद जाहिद संदीला की इस रिपोर्ट में। खानगढ़ DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर पुलिस थाना खानगढ़ की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना खानगढ़ के सब इंस्पेक्टर राना जवेद की स्पेशल टीम के हमरा मुखबर की इतला पर गज्जू वाइन के इलाके में छापा। मुलजम हाकिम बल्द अल्ला डिवाया कोम खोखर के कब्जे से बंदूक 12 बोर डबल बैरल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे हवालात बंद कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम जतोई का कहना था कि जराइम पेशा अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। जराइम की रोकथाम के लिए आवाम को पुलिस का साथ देना होगा। खानपुर का, जहां शहर और गिद्दो नवा में बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाओं का राज, बारिश से धुंध खत्म, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रिपोर्ट करेंगे शेख हमीदुद्दीन हाकिम। खानपुर शहर और गिद्दो नवा में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज,
बारिश से धुंध खत्म, सर्दी के शिद्दत में इजाफा। बारिश के बाद सड़कों पर ठंडी हवाओं से लोगों की कुल्फी जम गई। ठंडी हवाओं के बाद शहरी जगह जगह आग सेकते नजर आने लगे। बारिशों का सिलसिला आइंदा दो रोज तक जारी रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। शेख हमीदुद्दीन हकम, तहसील रिपोर्टर, ANN न्यूज, खानपुर। खबर शामिल करेंगे अटक से, जहां शहर शक्कर दर्रा मोहल्ला नूर की आबादी नाले के गंदे पानी की वजह से आए रोज न सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि गंदे पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की वबाई अमराज फैल रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। जी, अटक शहर शकरदरा गांव मोहल्ला नूराबाद की ये आबादी है जो नाले के गंदे पानी और नाकिस इंतजाम की वजह से आए रोज न सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है बल्कि कई किस्म की मूजी और जानलेवा बीमारियों का बायस भी बन रहा है। अहले मकीनों से जब बात की गई तो उनका यही कहना है कि कई कई महीनों तक यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कोई मुनासिब सफाई का इंतजाम नहीं किया जाता, जिसके बायस नाले का गंदा पानी रोडों पे और लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे कई वबाई इमराज भी फैल रहे हैं। मजीद अहले मकीनों का कहना है कि आला हुकाम इस बात पे फौरी नोटिस लें और सफाई का मुनासिब इंतजाम किया जाए। कैमरामैन मलिक कामरान के साथ मोहम्मद नदीम, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज, अटक। टंडू का, जहां चौक सर्वर शहीद DPO सैयद नदीम अब्बास की हदायत पर SHO थाना चौक सर्वर शहीद जवेद अख्तर की जराइम पेशे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद जानते हैं नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। कोटदू चौक सर्वर शहीद DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना चौक सर्वर शहीद चौधरी जवेद अख्तर ने मुखबिर की इतला पर मुलजम दौलत खां वालद अब्दुल मजीद कौम पठान सकना चक नंबर 625 TDA से 20 अदद कुप्पी शराब और 100 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया और हवालात में भी बंद कर दिया। SHO थाना चौक सर्वर शहीद चौधरी जवेद अख्तर ने कहा कि जरैम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेजी से जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, ANN न्यूज, कोटदू। खबर शामिल करेंगे जहानिया से, मदरसे के कारी का तालिबे इल्म पर पाइप से वहशियाना तशद्दुद, बच्चे के वालदीन ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए जहानिया पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मजीद जानते हैं आसिफ गुमन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मदरसे के कारी का तालबे इल्म पर पाइप से वहशियाना तशद्दुद, बच्चे के वालदैन ने मुकदमे के इंदराज के लिए जहानिया पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। जहानिया जन्नत टाउन में मदरसे के कारी ने तालबे इल्म पर पाइप से वहशियाना तशद्दुद किया। जहानिया के तालबे इल्म अब्दुर्रहमान की कमर, टांगों और जिस्म पर तशद्दुद के वाजिया निशानात मौजूद हैं। बच्चे के वालदैन ने बताया है कि कारी फैसल ने प्लास्टिक के पाइप से हमारे बेटे अब्दुर्रहमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। बच्चे को ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वालदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मदरसे के कारी ने ज़ाती रंजिश पर बदफेली का इल्ज़ाम लगाकर हमारे बेटे अब्दुर्रहमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मदरसे का कारी मौका से फ़रार हो गया। बच्चे के वर्सा ने मदरसे के कारी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा आसिफ गुमन, ANN न्यूज, जहानिया। रुक करेंगे खैरपुर मिल्स का, जहां साई बख्श वसान को गस्ता डिवीजन सखर के सदर मुंतखब होने पर गस्ता यूनिट कुंभ की जानब से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं मंसूर अहमद पल। जैसा कि उस्ताद साई बख्श वसान को गस्ता डिवीजन सखर के सदर मुंतखब होने पे गस्ता यूनिट कुंभ की तरफ से अजानों की तकरीब दी गई, जिसके मेहमान खास गस्ता के मरकजी सदर मोहम्मद अशरफ कासकेली थे। दूसरे मेहमानों में गस्ता के मरकजी कोऑर्डिनेटर नूरुद्दीन पावर, जिले खैरपुर के सदर नबी बख्श मकोल, तालका कोट DG के सदर उस्ताद अली नवाज पल समेत सक्कर डिवीजन के तालकान के सदर जनरल सेक्रेटरियान समेत अहदेदार और मेम्बरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मंसूर अहमद पल, खैरपुर, मीरस। जनूबी पंजाब मुबारकपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर सहरा चौलिस्तान की वस्त में आज भी एक बुलंदो बाला और खूबसूरत पुख्ता किला मौजूद है।
वो किला जो आपको सदियों पीछे ले जाएगा। मजीद जानते हैं यासर नाइज की इस रिपोर्ट में। जी, रियासत भावलपुर के बासी खानदान की मलकियत ये किला और फार्म में किले डेरावर के नाम से मशहूर है। आजाद रियासत भावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की औलाद अब इस किले के निगेबान और मालिक है। इस किले के बिल्कुल सामने संगे मरमर से बनी एक कदीम मस्जिद भी है जो कि इसके हुस्न को चार चांद लगा रही है। तारीख शवायद के मुताबिक किले डेरावर के पास से एक दरिया गुजरता था जिसे सरैकी जबान में घारा कहा जाता था। यहाँ आबाद हिंदू सिख मुसलमान सब आपस में इत्तेफाक के साथ रहते थे। किले के बाहर ज्यादातर आबादी किले के मगरिब जानिब थी जिसमें हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहायश पजीर थे। किले के मशरिब जानिब पानी जमा करने के लिए तालाब और कुएं बनाए गए थे। किले के अंदर मौजूद तमीरात की मौजूदा हालत को देखकर अब मायूसी सी होती है। किले की इमारतों में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां जेर जमीन सुरंगों को रास्ते जाते थे जो अब बंद हो चुके हैं। कहा जाता है कि किले में जेर जमीन सुरंगों का जाल मौजूद था, इनके जरिए किले के अंदर और बाहर खुफिया रहकर सफर किया जाता था। बताया जाता है कि यहाँ से एक सुरंग दिल्ली तक भी जाती थी। ये किला अब अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि वहाँ पर आए लोगों ने ANN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खुद दिलचस्पी लेकर लाहौर के किलों की तरह काम करवाए ताकि इस किले को इसकी असल हालत में बहाल किया जाए, जिससे न के मुल्क भर से आने वाले बल्कि बैरून मुल्क से भी आने वाले सियाहों की दिलचस्पी में की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि इस किले इलाकों के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा जो कि खिताए गुरबत से जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर नायक। खबर नगर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़, बाखबर पाकिस्तान। ताकि